سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. हर किस्म की तारीफात तारीहात अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए अहकमुल हाकिमीन के लिए और दुरूद व सलाम तो सलाम प्यारे पैगंबर साकी कौसर शाफी महशर रसूल आलम रसूल खल्क मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम की ज़ात क़दस पर जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे लिए हाथी रहबर और रहनुमा बनाकर भेजा है। अजीज भाइयों, मुल्क शाम जो है अहादीस के अंदर इसकी बहुत ही ज़्यादा फजीलत और इसका मुकाम नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया है। कुतुबे तीसा जो हैं सिर्फ उनके अंदर 400 से ज़्यादा मरतबा नबी अलैहिस्सलाम ने शाम का जो तज़किरा किया है वो अहादीस मौजूद है। शाम जो है यानी जिस चीज़ को बिलादे शाम कहते हैं, शाम के शहर जिनको कहते हैं, शाम के अंदर सिर्फ मुल्क शाम ही नहीं है बल्कि इसके अंदर बिल इत्तिफाक जो है वो 5 मुल्क आते हैं और कुछ उलमाए किराम की राय इससे आगे भी है कि और 20 के अंदर आते हैं। वो जो 5 हैं उनमें से फिलिस्तीन है, उर्दन है और दिमश्क है और इसी तरह हिम्स है और किन्नसरीन है। ये जो 5 जगह हैं ये 5ों की 5ों जगह मुल्क शाम के साथ मुंसलिक है। यानी जब शाम का लफ्ज़ बोला जाता था उस दौर के अंदर तो ये 5ों रियासतें जिनको अब अलग अलग नाम से जाना जाता है ये सारी एक ही शुमार होती थी मुल्क शाम के नाम से। उर्दन, फिलिस्तीन, दिमश्क और हिम्स और किन्नसरीन। शाम जो है बिलाद शाम जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा दुआ फरमा रहे थे। सही बुखारी के अंदर यह रिवायत मौजूद है। आपने दुआ फरमाई कि अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना वफी यमनिना, कि ऐ अल्लाह हमारे शाम के अंदर और हमारे यमन के अंदर बरकतें अता फरमा। तो दूसरी मरतबा फिर नबी अलैहिस्सलाम ने यही दुआ इरशाद फरमाई कि अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना वफी यमनिना, कि ऐ अल्लाह हमारे शाम के अंदर और हमारे यमन के अंदर बरकतें नाजिल फरमा। तो असहाबे रसूल जो दुआ सुन रहे थे उनमें से कुछ कहने लगे कि अल्लाह के नबी आप हमारे नजद के लिए भी दुआ फरमा दें। नजद भी 2 हैं, एक नजद इराक का है और एक नजद हिजाज का है। यहाँ इराक के नजद की बात हुई। सहाबी ने कहा कि अल्लाह के नबी हमारे नजद के लिए दुआ कर दें जो इराक के अंदर जहाँ पे कूफा है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने तीसरी मरतबा फिर दुआ की शाम के लिए और यमन के लिए और नजद के बारे में, इराक के बारे में, कूफा के बारे में आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हुना का ज़लाज़िलु वल फितनु वबिहा तत्लु कर्नु शैतान, कि वहाँ पर जलजले होंगे, वहाँ पर फितने होंगे और वहाँ वहीं से ही शैतान का जो कर्न है वो तुलू होगा।
वहां फितने होंगे, जलजले होंगे, और वहीं से शैतान का जो कर्न है वो तुलू होगा। नबी अलैहिस्सलाम ने उस जगह के लिए दुआ नहीं फरमाई है, आपने दुआ फरमाई तो यमन के लिए और शाम के लिए। और ये हदीस जो है ये मुल्क शाम की फजीलत के ऊपर दलालत करती है कि ये शाम का जो टुकड़ा है, शाम की जो सरजमीन है, ये जो फिलिस्तीन की सरजमीन है, ये जो उर्दन की सरजमीन है, ये वो जगह है जिनके मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई है। सुनन तिर्मिज़ी के अंदर 2483 नंबर रिवायत है। हदीस बयान करने वाले हैं अब्दुल्ला बिन हवाला रज़ी अल्लाह तआला, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सयसीरुल अम्रु इला अन तकूनु जुनूद मुजन्नदा, कि मुसलमान जो हैं ये फिरकों के अंदर बट जाएंगे। सयसीरुल अम्रु इला अन तकूनु जुनूद मुजन्नदा, कि मुसलमान जब फिरकों के अंदर बट जाएंगे तो इनका आलम यह होगा कि एक गिरोह जो है वो यमन के अंदर होगा, और एक जमात जो है वो शाम के अंदर होगी, और एक गिरोह जो है वो इराक के अंदर होगा। तीन का तस्करा किया आप अली इस्लाम। जो हदीस बयान करने वाले अब्दुल्ला बिन हवाला थे, कहते हैं कि मैंने सवाल किया कि या रसूलल्लाह, अगर मैं उस वक़्त ज़िंदा हूँ, मैं उस वक़्त को पा लेता हूँ, तो मैंने किस गिरोह के अंदर शामिल होना है, मैंने किस गिरोह के अंदर किस जमात को मैंने इख्तियार करना है, कौन सा गिरोह है जिसके अंदर मैंने शमूलियत इख्तियार करनी है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनको फरमाया कि अलैक बिश्शाम, जब तू उस वक़्त को पाले कि एक गिरोह यमन में है, एक शाम में है, एक इराक के अंदर है, तो तू शाम की सरजमीन को लाजम पकड़ना, तो शाम के अंदर चले जा। और दूसरी तरफ फरमाया कि अगर वहाँ पर तू ना जा सके, उस गिरोह में शामिल ना हो सके, तो यमन वाले गिरोह में शामिल हो जाना, मगर इराक वाले गिरोह के अंदर शामिल ना हो। ये हदीस जो है, इस हदीस से भी शाम की फजीलत जो है वो वाज़े होती है कि नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा कराम को फरमाया कि जब फिरकों में लोग बट जाएंगे, एक गिरोह शाम की तरफ होगा, एक यमन की तरफ, एक इराक की तरफ, तो अलैक बिश्शाम, सबसे पहले आपने जिस गिरोह की तरफ जाना है और जिस जगह की तरफ जाना है वो शाम की सरजमीन। अब तीसरी रिवायत है 3954 नंबर जामे तिर्मिज़ी की रिवायत है। जैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं, कहते हैं हम कुरान मजीद को जमा कर रहे थे नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में, और इस तरह के कुरान मजीद की बाज़ सूरतें चमड़े के टुकड़े के ऊपर जो है ना वो लिखी हुई हैं, बाज़ कागज़ के ऊपर है, और बाज़ आयात जो हैं वो किसी ने पत्थर के ऊपर जो है वो लिखी हुई हैं। हम कुरान मजीद को ऐसे जमा कर रहे थे, तो इस दौरान हमारे अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे, तो आपने अचानक ऐसे एक लफ्ज़ जो है ना वो बोला, वो क्या फरमाया कि तूबा लिश्शाम, शाम के लिए बशारत हो, शाम के लिए खुशखबरी हो। तो जैद बिन साबित कहते हैं कहाँ हम मक्का और मदीना के रहने वाले, इस बात ने हमें चुका दिया कि कुरान इधर हम जमा कर रहे हैं और नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं कि शाम वाले जो हैं उनके लिए तूबा है, उनके लिए खुशखबरी है, उनके लिए बशारत है। तो कहते हैं मैंने सवाल किया, अल्लाह के नबी ये बशारत शाम के लिए क्यों, आप ये जो शाम का तज़किरा कर रहे हैं ये शाम के लिए क्यों है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लिअन्ना मलाइकतर रहमानी, लिअन्ना मलाइकतर रहमानी बासितुन अजनिहाताहा अलैहा, कि रहमान के जो फरिश्ते हैं वो अपने परों को शाम की सरजमीन के ऊपर बिछाए हुए, इस वजह से मैंने फरमाया है कि तू बाली शाम। ये शाम के जो लोग हैं, ये जो फिलिस्तीन के लोग आज जो बेचारे मारे खा रहे हैं, जिनकी शहादतें हो रही हैं, जो कुर्बानियां दे रहे हैं, जिनके बच्चे क्या, औरतें क्या, नौजवान क्या, बूढ़े क्या, जिनको हॉस्पिटल के अंदर आज जो है ना वो शहीद किया जा रहा है, ये वो लोग हैं कि 1400 साल पहले नबी अलैहिस्सलाम ने इन लोगों के बारे में बशारत भी दी जब कुरान जमा हो रहा था, और दूसरा ये भी फरमाया कि इन लोगों का साथ देना, इनके अंदर जाना, इनकी मदद करना,
और ये भी फरमाया कि लिअन्ना मलाइकत रहमानी बासितुन अजनिहातिहा अलैहा, कि रहमान के जो फरिश्ते हैं ये जो सरजमीन है इस सरजमीन के ऊपर इनके रहने वालों के ऊपर वो अपने परों को फैलाए हुए। तो ये हदीस भी जो है ये शाम की सरजमीन जो है उसकी फजीलत के ऊपर दलालत करती है। एक हदीस है मुस्नद अहमद के अंदर जिस हदीस के रावी हैं अबू दर्दा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, 21733 नंबर हदीस है। अबू दर्दा रज़ी अल्लाह अन्हो कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि एक दिन मैं सो रहा था, ख्वाब के अंदर मैंने क्या देखा कि मेरा जो सरहाना है उसके नीचे से एक कालिम जो है उसको निकाला गया। एक कालिम यानी एक किताब जो है ना वो दो जिल्दों के अंदर बंद होती है, तो किताब के अंदर कई एक मजामीन होते हैं, तो कालम उसको कहते हैं जिसके अंदर एक मजमून जो है वो बंद कर दिया जाता है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे सरहाने के नीचे से एक कालिम जो है वो निकाला गया। आपने फरमाया वो ऐसे निकाला गया है यानी अंदाज ये था जैसे कोई चोरी कर रहा है या मुझसे वो छीना जा रहा है। मैंने फौरन उसकी तरफ देखा, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब मैंने उसकी तरफ देखा वो बुलंद हुआ और शाम की सरजमीन की तरफ उसने उड़ना शुरू कर दिया और वो शाम की तरफ चला गया। अबू दर्दा रज़ी अल्लाह अन्हु हदीस के रावी। तो ये जो कालिम था जो सरहाने के नीचे से निकाला गया, आपने फरमाया ये वही का इलम है जो लोहे महफूज के अंदर महफूज है, वहां से अल्लाह ताला ने अंबिया पर उतारा है और इस उस इलम से इस एक कालम का उठकर शाम की तरफ चले जाना ये शाम के लिए खैर और बरकत की अलामत है। ये शाम के लिए खैर की अलामत है, बरकत की अलामत है कि वही इलाही का जो इलम अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम को अता फरमाया है, आपको ख्वाब के अंदर दिखाया गया कि उस इलम का एक कालम जो है उसको उठाया गया है और वो उड़ा है और वो शाम की सरजमीन की तरफ चला गया। उसके बाद जब आपने फरमाया वो शाम की सरजमीन की तरफ चला गया तो फिर आपने ये अल्फाज इरशाद फरमाए थे अला व इन्नल ईमान अला व इन्नल ईमान हीन तकाउल फितन बिश्शाम अला व इन्नल ईमान हीन तकाउल फितन बिश्शाम। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अला खबरदार व इन्नल ईमान हीन तकाउल फितन, जिस वक़्त दुनिया के अंदर फितने जो है वो रूनुमा हो जाएंगे, फितनों का सैलाब होगा, फितने उमड़ आएंगे। देखें आज कल मुआशरे के अंदर कितने फितने, इतने फितने हैं कि जिनका इंसान इहाता नहीं कर सकता, जिनको शुमार नहीं कर सकता, बहुत ज्यादा फितने। तो तब आपने क्या फरमाया अला व इन्नल ईमान हीन तकाउल फितन बिश्शाम, कि जब फितने उमड़ आएंगे उस वक़्त ईमान जो है वो शाम की सरजमीन पर ज्यादा होगा। जब फितने जो है वो उमड़ आएंगे उनका सैलाब होगा तो ईमान और ईमान वाले लोग कहाँ पर होंगे, शाम की सरजमीन पर। तो ये भी फजीलत जो है वो अहले शाम की, अहले शाम की सरजमीन और उनके रहने वाले जो है उन पर दलालत करती है ये हदीस भी। एक और बात है मेरे दीन भाइयों, जैसे शाम की सरजमीन की बहुत ज़्यादा फजीलत है, मकाम है, मर्तबा है, इसके बावजूद मक्का और मदीना जो है उसका मुकाम और मर्तबा जो है वो शाम की सरजमीन से भी ज्यादा है। शाम की सरजमीन के बारे में चे जाए नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मुस्नद अहमद की ये रिवायत आपने फरमाया अर्दुल महशर ये शाम, कि जो मैदान महशर है यानी मैदान महशर कहाँ पे लगेगा, लोगों को जमा कहाँ पे किया जाएगा, अल्लाह ताला लोगों से सवाल जवाब किस सरजमीन के ऊपर करेंगे, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो शाम की सरजमीन है। शाम की वो सरजमीन है जहां पर मैदान महशर लगेगा। शाम के बारे में बहुत ही ज्यादा रिवायात हैं, बहुत ही ज्यादा रिवायात हैं, थोड़े से वक्त के अंदर सारी रिवायात इंसान उनको बयान नहीं कर सकता कि शाम की फजीलत क्या है, मगर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि शाम की फजीलत है मक्के मदीने की इससे भी ज्यादा है। सही बुखारी के अंदर है, आपने फरमाया कि अनकरीब जो है वो यमन फतह होगा, जब यमन फतह होगा तो लोग मदीना के अंदर आएंगे और अपने रिश्तेदारों को लेंगे और यहाँ से फिर वो यमन की तरफ चले जाएंगे। तो उस वक़्त आपने क्या फरमाया वल मदीना तो खैरुल्लहुम, हालांकि मदीना यमन से भी ज़्यादा बेहतर होगा उनके लिए। और फिर इसके बाद आपने फरमाया कि शाम जो है वो भी फतह होगा,
तो शाम के लोग आएंगे और मदीना के अंदर जो उनके अजीज हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, उनको वो लेंगे और शाम के अंदर चले जाएंगे। फिर आपने फरमाया वल मदीना तो खैरुल लहुम, शाम वालों के लिए मदीना जो है ये बहुत ही बेहतर होगा, मगर वो अपने रिश्तेदारों को लेंगे और शाम के अंदर चले जाएंगे। और तीसरे नंबर पे फरमाया कि इराक फतह होगा, इराक वाले लोग मदीना में आएंगे, उनके जितने अइज़ा व अकारब हैं उनको वो साथ लेंगे और इराक के अंदर चले जाएंगे। फिर फरमाया बल मदीना तो खैरुल लहुम, मदीना जो है वो उनके लिए बहुत ही बेहतर होगा। यानी तीन दफा तीन जगहों का नाम लिया, यमन का, इराक का और शाम का। और नबी अलैहिस्सलाम ने बार बार ये फरमाया कि मदीना जो है ये उनके लिए बेहतर होगा, मदीना उनके लिए बेहतर होगा, मदीना उनके लिए बेहतर होगा। तो इस हदीस से ये पता चलता है कि जो मदीना और मक्का जो है, मस्जिद हराम जो है, जो मस्जिद नबवी है, जो इसका मुकाम है वो मस्जिद अक्सा से भी ज्यादा है, वो शाम की सरजमीन से भी ज्यादा है। मगर शाम की सरजमीन का मुकाम जो है, मर्तबा जो है, ये भी बहुत ज्यादा है। एक दो और अहादीस में आप भाइयों के सामने पेश करता हूँ। सुनन अबी दाऊद की रिवायत 4298 नंबर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्ना फुस्तातल मुस्लिमीन यौमल मलहमती बिलगूता, इन्ना फुस्तातल मुस्लिमीन यौमल मलहमती बिलगूता। आपने फरमाया कि यौमल मलहमा जो है, यानी क़ुर्ब क़यामत जो बड़ी जंग लगेगी, बड़ी जंगें जो होंगी, और उन जंगों के दौरान मुसलमानों का जो फुस्तातल मुस्लिमीन, मुसलमानों का जो मरकजी खेमा जो है वो किस मुकाम पे होगा, वो गूता के अंदर होगा। और गूता कहाँ पे है, दिमश्क के अंदर, दिमश्क शाम के अंदर। नबी अलैहिस्सलाम ने ये पेशीन गोई फरमाई थी कि इन्ना फुस्तातल मुस्लिमीन यौमल मलहमती बिलगूता, कि जब बड़ी जंगों का आगाज शुरू हो जाएगा, और देखें यहूद नसारा ने, उन्होंने जो तज्जिया किया है, उन्होंने कहा है कि जो आखिरी जंग होने जा रही है वो शाम की सरजमीन पर होने जा रही है, ये उनका तज्जिया है। 1400 साल पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया था कि जब बड़ी जंग का आगाज होगा तो मुसलमानों का जो सबसे मरकजी खेमा है वो गूता के मुकाम पर होगा। यानी मरकजी खेमा वो कि जहां से पूरी मुस्लिम दुनिया को मुसलमान लीड करेंगे, वो जो मुकाम है वो गूता का मुकाम है, और वो दिमश्क के अंदर है, वो शाम के अंदर है। तो ये हदीस भी जो है ये शाम की फजीलत और उनके रहने वालों का मकाम और मर्तबा जो है उस पर दलालत करती है। एक हदीस आप भाइयों ने बड़ी दफ़ा सुनी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ला तज़ालु ताइफ़तुन मिन उम्मती युक़ातिलूना अलल हक़्क़ि हत्ता तक़ूम अस्सा, कि मेरी उम्मत का एक गिरोह जो है वो हमेशा हक पर किताल करता रहेगा, हत्ता के क़यामत कायम हो जाएगी। ये हदीस मुकम्मल जो है ये सिलसिला सहीहा के अंदर 13425 इस हदीस का नंबर है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सहाबा इकराम ने कहा, आप सल्लम ने इशारा भी किया और बोल कर भी फरमाया यूम यू बिहा इल शाम, जब ये बात आप फरमा रहे थे कि मेरी उम्मत का एक गिरोह जो है वो हमेशा हक पर किताल करेगा, आपने फरमाया उनका एक दुश्मन खत्म होगा, अल्लाह नया दुश्मन पैदा कर देगा, वो ख़त्म होगा, अल्लाह फिर नया दुश्मन पैदा कर देगा, अल्लाह दुश्मन के साथ किताल के जरिए उनको रिजक भी अता करेगा, हत्ता कि क़यामत कायम हो जाएगी। ये हदीस तवील है। नबी अलैहिस्सलाम ने ये सिलसिला सहीहा की जो रिवायत है इसके अंदर आता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने इस हदीस का अव्वलीन मिसदाक जो ठहराया वो शाम की सरजमीन के लोग थे, कि यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं वो हमेशा हक पर किताल करते रहेंगे, हमेशा हक पर किताल करते रहेंगे। और देख लें आजकल जो लोग शाम की सरजमीन के अंदर हैं वो किन के साथ लड़ रहे हैं, वो किन का मुकाबला कर रहे हैं। यानी इस वक्त का जो कुफर का इमाम है, जिसको आइमतुल कुफर कहा जाता है, जिसको सबसे बड़ा ताहूत कहा जाता है, यानी पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़े जो मुसलमानों के दुश्मन हैं वो यहूद नसारा हैं। पहले नंबर के ऊपर यहूदी हैं, शाम के लोग, फिलिस्तीन के लोग किन के साथ लड़ रहे हैं, यहूदियों के साथ। नबी अलैहिस्सलाम की ये पेशीन गोई उनके हक में पूरी हो रही है कि आपने फरमाया कि मेरी उम्मत का एक गिरोह हमेशा हक पर किताल करता रहेगा, वो किसी की मलामत की परवाह नहीं करेंगे और किसी की मलामत जो है वो उनको नुकसान नहीं दे सकेगी,
वो लोग आपने फरमाया सबसे पहले वो लोग कौन होंगे, वो शाम की सरजमीन के रहने वाले बशिंदे होंगे जो हमेशा हक के ऊपर किताल करेंगे। उनका एक दुश्मन मिटेगा, एक दुश्मन उनका खत्म होगा, उनका दूसरा दुश्मन खड़ा हो जाएगा। इसी तरह ये जो हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह तआला अन्हु वाली एक रिवायत बड़ी मशहूर है, बड़ी लंबी रिवायत है, उसमें से चंद एक दो बातें सुनाना मकसूद है। तमीम दारी रजी अल्लाह अन्हु नबी अलैहिस्सलाम के पास आए, दज्जाल से मुलाकात हुई, सारा उन्होंने तज़किरा किया। तो फजर की नमाज के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को आपने फरमाया कि तमीम दारी ये सफर पर गए थे, वो अल्फाज मैं आपके सामने रखता हूँ। आपने फरमाया कि उसने जो मुझे वाकया बयान किया है मुझे वो अच्छा लगा, मेरा दिल चाहा कि आपके सामने भी वो बयान करूं। तो फिर आपने क्या फरमाया कि इन्ना नासन मिन फिलिस्तीना रकीबू फी सफीना थी, कि फिलिस्तीन के, ये सही बुखारी के हदीस है, आपने फरमाया कि फिलिस्तीन के चंद लोग थे जो कश्ती के अंदर सवार हुए और मौजे जो है वो समंदर के अंदर उठी और वो रास्ता भटक गए, एक जजीरे पर जा लगे, वहां पर एक शख्स से उनकी मुलाकात हुई, उसकी हैत जो है वो सारी बयान की गई, वाकया बहुत बड़ा लंबा है। तो वो दज्जाल था जिससे मुलाकात हुई, उन्होंने दज्जाल ने बहुत ज्यादा सवालात किए, उनमें से जो तीन सवाल थे वो अर्ज़ शाम के बारे में थे। दज्जाल ने तीन सवाल किए फिलिस्तीन के लोगों से, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सही बुखारी में है, तीन सवाल किए, उनमें से एक सवाल था कि दज्जाल ने उनसे कहा कि ऐने जोहर जो है उसका क्या आलम है। ऐने जोहर ये एक चश्मा था, ये दिमश्क के अंदर ऐने जोहर एक चश्मा है, दज्जाल ने उसके बारे में सवाल किया कि उसका क्या आलम है। लोगों ने कहा कि वो उसका पानी जो है वो ठाठे मार रहे हैं। उसने फिर दूसरा सवाल किया, उसने कहा कि जो बुहैरा तबरिया है उसका क्या आलम है। बुहैरा तबरिया जो है ये फलस्तीन और उर्दन के दरमियान एक झील बनती है, तो इसके मुतालिक उसने पूछा कि उसका क्या आलम है। उन्होंने कहा कि वो भी जो है वो पानी के साथ खचाखच भरी हुई है। फिर उसने तीसरा सवाल किया कि नखले बेसान जो है, फिर दज्जाल ने खुद बोला कि अल्लज़ी बैना बैनल उर्दन व फलस्तीन, कि नखले बीसान जो है फलस्तीन और उर्दन के दरमियान एक बस्ती है, खजूरों की बस्ती इसको कहा जाता है, जिसको नखले बीसान कहते हैं, यानी यहाँ पर खजूरें लगी हुई हैं और उनको फल लगता था। तो दज्जाल ने कहा कि उस बस्ती के बारे में बताओ, वो जहाँ पे वो बस्ती है और उस बस्ती के अंदर जो खजूरें हैं उनके फल का आलम क्या है। तो लोगों ने कहा कि उसके ऊपर फल बहुत ज्यादा लगा हुआ है। तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि फिलिस्तीन के लोगों ने जब तीनों सवालों का दज्जाल को जवाब दिया गया तो उसने क्या किया, उसने उछलना शुरू कर दिया, उसने कूदना शुरू कर दिया और आगे से कहता है अब तो मेरे निकलने का वक्त आ गया। यह हदीस लंबी है। इसके बाद नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि वो दज्जाल जो है वहां से वो निकलेगा और वो जमीन के अंदर घूमेगा फिरेगा, और ये जो फिलिस्तीन का मुकाम है यहाँ पर एक जगह है मुकाम लुद, जहां पर इसराइल ने एयरपोर्ट बनाया हुआ है और दज्जाल के आने की तैयारी की हुई है। जब वो मुकाम लुद पर आएगा तो दिमश्क की जामे मस्जिद जो उमवी है उसके मीनार पर दो फरिश्तों के साथ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी उतरेंगे, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की एक खासियत ये होगी कि जब वो सांस लेंगे उनका सांस जो है जैसी एक भाप होती है, ये जहां तक जाएगी, अगर रास्ते के अंदर कोई काफिर आ रहा है, अगर कोई यहूदी है या कोई ईसाई है जो इसको महसूस कर रहा है, तो वो अल्लाह के हुक्म से कत्ल कर दिया जाएगा सिर्फ इसकी वजह से। और फिर फरमाया जो दज्जाल है ये लुद के मुकाम पर, जो फिलिस्तीन के अंदर है, ये फिलिस्तीन के अंदर जो लुद के मुकाम पर दज्जाल जहां पर आकर रुकेगा, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहां पर इसको कत्ल करेंगे, इनको देख कर वो पिघलना शुरू हो जाएगा। तो बात करने का मकसद ये है कि यानी वो दज्जाल के हर पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से जो है ना वो डराया है, दज्जाल के फितने के बारे में आगाह किया है। तो दज्जाल जिसका फितना सबसे बड़ा फितना है, उसका खात्मा होगा तो वो भी फिलिस्तीन की सरजमीन पर होगा। तो फिलिस्तीन की सरजमीन जो है वहां पर मस्जिद अक्सा भी है, मस्जिद अक्सा की एक बहुत बड़ी फजीलत है, बहुत बड़ा मुकाम है, उसके बारे में कई एक रिवायात है। जैसे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ला तशुद्दुर रिहाल इल्ला इला थलासती मसाजिदा, कि तीन मसाजिद के अलावा अपने रिहाल को ना कसो, उनमें से मस्जिद हराम है, मस्जिद नबवी है, और इसी तरह तीसरे नंबर के ऊपर मस्जिद अक्सा है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दज्जाल जो है
ये चार जगहों के ऊपर ये आ नहीं सकेगा। एक तूर का मुकाम है, तूर का मुकाम है, दूसरे नंबर पर मस्जिद नबवी है, तीसरे नंबर पर मस्जिद हराम है, और चौथे नंबर के ऊपर मस्जिद अक्सा है, जहां पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया अलैहिस्सलाम को इमामत करवाई है। एक हदीस तो सुनन इब्ने माजा के अंदर है, 1408 हदीस का नंबर है। नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, जैसे सही बुखारी मुस्लिम के अंदर आता है कि जो बैतुल्ला के अंदर आकर जो हज करता है उसके बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, अगर अल्लाह उसका हज कबूल करते हैं तो वो ऐसे है, यानी गुनाहों से ऐसे पाक होता है जैसे अपनी वालिदा के पेट से वो आज बाहर निकला है, यानी उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये सुनन इब्ने माजा की हदीस है, कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से तीन दुआएं की थी। एक दुआ की कि ऐ अल्लाह मेरे फैसलों के अंदर, और ये तीन दुआएं कब की, जब उन्होंने बैतुल मकदस को तामीर किया। बैतुल मकदस को जब तामीर किया उसके बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तीन दुआएं की। पहली दुआ कि ऐ अल्लाह मेरे फैसले के अंदर वो कुव्वत अता फरमा कि मेरे फैसले जो है वो तेरे फैसलों के मुवाफिक हो, यानी मेरे फैसलों में ऐसी कुव्वत अता फरमा। और दूसरी दुआ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने की कि ऐ अल्लाह मुझे ऐसी सल्तनत दे कि ला यंबगी लिहद मिन बादी, जो मेरे बाद किसी और को ना मिल सके। ये दोनों दुआएं कुरान मजीद के अंदर है। और तीसरी दुआ जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने की कि ऐ अल्लाह जो इस मस्जिद अक्सा के अंदर नमाज की नीयत से आता है, आकर नमाज पढ़ता है, नमाज पढ़ के चला जाता है, खराजा मिन दुरूबिही कयौमी वलदतहु उम्मुहु, क्या अल्लाह उसको ऐसे बना देना जैसे उसकी माँ ने उसको आज के दिन ही पैदा किया, यानी उसके ऊपर कोई गुनाह ना हो। जैसे हज मकबूल हज जो है जितना अजर उसका है, फिर नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि मुझे अल्लाह से उम्मीद है, जैसे अल्लाह ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की पहली दोनों दुआओं को कबूल किया, आपने फरमाया मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह ताला ने तीसरी दुआ को भी कबूल कर लिया होगा। कि मक्का के अंदर जाकर हज करना और गुनाहों से धुल जाना, और बैतुल मकदिस के अंदर मस्जिद अक्सा के अंदर जाकर नमाज पढ़ना, तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दुआ की और नबी अलैहिस्सलाम ने तायीद की कि मुझे अल्लाह से उम्मीद है, अल्लाह ने वो दुआ कबूल कर ली है कि जो मस्जिद अक्सा के अंदर आकर नमाज पढ़ता है अल्लाह ताला उसको ऐसे गुनाहों से पाक कर देगा जैसे उसकी वालिदा ने उसको आज पैदा किया है। तो मेरे अजीज भाइयों, जैसे हम बर्रे सगीर के अंदर रहने वाले लोग हैं, हमें शाम की जो सरजमीन है हमें आम तौर पर उसकी फजीलत का, उसके मुकाम का, मर्तबे का पता जो है नहीं होता, उसके बारे में इल्म नहीं होता। हमें ये चीज़ सीखनी चाहिए कि जब फितने रूनमा होंगे तो ईमान जो है वो कहाँ पर होगा, अहले ईमान कहाँ पर होंगे, अहले हक कहाँ पर होंगे। और हमें खुद भी कोशिश करनी चाहिए, उनके लिए दुआएं भी करें, अल्लाह से ये भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें उनके अंदर शामिल फरमाए। वाखिरु दुआ यानी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।